न्यू वीडियो ब्रांड न्यू वीडियो में, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज 73 प्लेयर्स आए हुए हैं। बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू आप लोगों का गाइस आने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे हमारे वाइपर सल्लू काफ़ी ज़्यादा उछल रहे हैं, लगता है इनके दिलों में आज उत्साह की काफ़ी लहर है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एक टीम और आई हुई है, काफ़ी अच्छी टीम लग रही है। हम लोग देखेंगे ये INC टीम, जो कि INC टीम अपना स्टिकर पे चिपका रही है बार बार। INC टीम लगता है काफ़ी तगड़ा खेलेंगी आज, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई है और ये पूरा दमखम दिखाएंगे अपना, पूरे मैच में दबदबा पूरा बनाने की कोशिश करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, टावर में भी काफ़ी ज़्यादा टीमें जा रही हैं। बिल्कुल तीन टीमें हैं, बिल्कुल तीन से चार टीमें हैं। फरदीन शेख तो लगता है जॉर्ज कॉम्बो की टीम के साथ कॉम्बिनेशन कुछ करेंगे। तो गाइज मेरा एक बात ये कहना है कि गाइज अपनी अपनी टीम लेकर आएगा तो अपने स्लॉट पर बैठा करो, ताकि दूसरे टीममेट्स को जो है दिक्कत ना हो। ठीक है गाइज, तो अपनी टीमें लेकर आओ, अपने स्लॉट पर बैठो, इसकी वजह से जो है किसी को परेशानी नहीं होंगी, वरना बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो आर्डिक जॉम्बी के जो तीन बहुत अच्छा फायर दिया है इन्होंने, कॉम्बो लेकिन बहुत अच्छा फायर दिया। और यहाँ पे एलेक्स जॉम्बी के साथ काफ़ी दुखद समाचार भाई, उसको उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। यहाँ पे रिजवान अकरम काफ़ी अच्छी पोजीशन ले रही हैं। और यहाँ पे पूरी भरना चाह रहे बनाना राजपूत, बनाना बनाना की टीम जो अपने लौंडे को उठाने की कोशिश। और यहाँ पे रिजवान अकरम काफ़ी अच्छा स्प्रे देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चार्ज काफ़ी बच गए यहाँ पे, जो जो हम देखेंगे INC को, INC को हम देखेंगे INC। तो फिनिश कर दिया वाइपर को, वाइपर का एक लौंडा था। और बिल्कुल INC यहाँ पे जो जो रन ने जो है बनाना मेहर को नॉक किया, और ओपी लतीफ भी यहाँ पे डाउन है। रिजवान अकरम को जो है क्रॉसबॉल से पड़ गया, ओपी लतीफ तो यहाँ पे बिना भाव पाने के जा सकती हैं। अपोलो INC जो है ने यहाँ पे एक और लौंडे को डाउन किया, और यहाँ पे और मेरा फिनिश कर दिया है कि 5 किल्स के साथ ये लोग। बनाना राजपाल निकल चुके सवरने से, वाइपर स्ट्रॉम ने हजरत आकीम को नॉक किया, और बनाना राजपाल यहाँ से निकल चुके। आतिफा ने भी बहुत अच्छा नॉक किया, लेकिन काफ़ी स्प्रेड है और बराबर ये स्प्रे दे रही हैं दोनों तरफ से। यहाँ पे ये पिस्टल का पूरा प्रहार कर रहे हैं, MN अंसारी पिस्टल का पूरा प्रहार कर रहे हैं, लगता है इनको गोलियाँ ही नहीं मिली किसी चीज़ की। इनर फ्लेयर ये लोग पूरा पोचिंकी लूट कर रहे हैं भाई, पोचिंकी में कोई भी नहीं इनके अलावा। ठीक है, 17 नंबर वर्सेज 21 नंबर, यहाँ पे अच्छी खासी फाइट देखने को मिलेगी। इनके ऊपर इस तगड़ा स्प्रे पड़ा है, और यहाँ पे ये नो INC की पूरी टीम खत्म हो गई, जो कि प्ले बॉय ने काफ़ी अच्छा निपटा दिया। टीम नंबर 18 अच्छी खासी फाइट हो रही है, मास्टर की टीम ने अटैक को डाउन कर दिया और उसी के साथ खा गए। ये एक सी किलर बिल्कुल वहीं पे भी है, और यहाँ पे ये लोग भी क्लोजिंग कर रहे हैं। फायर रेड ऑफ लाइन डाउन हो चुके हैं, यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छा कवर किया। एहसान बिल्कुल पीछे और ये आ भी रहे हैं, और लगता है ये इस पर देंगे क्या। बिल्कुल ये लोग अपने दो दो बंदे को उठा रहे हैं हम लोग, और ये लोग पूरा उठ रहे हैं, इनको पूरा घेरने की जो है चालें हो रही है। तौफिक बिल्कुल सामने ही है, और यहाँ पे तौफिक ने अच्छा तौफिक ने ख़त्म कर दिया, और इसी के साथ मास्टर टीम पूरी एक स्क्वाड वाइप कर दी। टीम नंबर 18 अटैक की टीम थी, है बिल्कुल 1v4 वो एक और दोनों ये ऊपर भाग गए। काफ़ी अच्छा क्लच देखने को मिल सकता है इनको, और यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल ख़त्म भी कर दिया इनको। हम आगे आगे दुनिया पीछे पीछे, बनाना काफ़ी अच्छा घूम फिर रहे हैं, और वाइपर जॉर्ज ने काफ़ी अच्छा बनाना राजपाल को ख़त्म कर दिया। एक टीम पूरी रुक चुकी है, डुओ इनको भारी पड़ सकता है, और बीच में ये उछल चुके हैं, और इसी के साथ इनकी पेटी बन गई। ट्रिपल एस दिशात की टीम भी बिल्कुल पीछे ही है इनके, न्यू वॉरियर्स जिसको हम बोल सकते हैं, जो कि इनको कतई खबर नहीं है। ये दो लौंडे मिलकर जो है लगता है पूरी लॉबी, और एक और टीम आई चुकी है यहाँ पे, इनको चारों तरफ से पड़ी है।
परिश्रम अपनी पोजीशन हायर कर रहे हैं, बिल्कुल अपनी पोजीशन ले रहे हैं। एम फोर मास्टर की टीम ने जो एक राउंड को डाउन किया, हम लोग प्ले बॉय को देख रहे हैं, इनके सामने बिल्कुल एक नेडा और ये बिल्कुल बच गए यहाँ पे, बिल्कुल पूरी टीमें इनका घेरे हुए चारों तरफ से। फ्लेयर दीपो भी यहीं पे है जो कि अकेले ही 1v4 करना चाहे थे, तो आने सतीफा ने जो एक और लौंडे को डाउन किया। अंसारी अतीफा यहाँ पे जो नेट करने की कोशिश, अरे मैं अंसारी के साथ इसी के साथ खत्म हो सकते हैं। बहुत ही प्यारा नेट, ये दूसरा बहुत ही प्यारा नेट, यहाँ पे वाइपर स्टेम ने काफी अच्छा कोशिश किया और इसी के साथ ये लोग जोन में, अतीफा भी नीचे लूट कर रहे हैं। और की पूरी टीम अकेले लौंडे ने खत्म कर दी 8 kills के साथ। टीम नंबर 14 का एक बंदा और टीम नंबर 13 का भी एक लौंडा बचा हुआ है, लौंडे हैं। वाइपर स्ट्रॉम ने जैक को नॉक किया, वाइपर स्ट्रॉम काफी अच्छा पीट रहे हैं। यहाँ पे वाइपर्स की हम लोग टीम देख सकते हैं, बिल्कुल रेड मशीन एक लौंडा है, बिल्कुल अकेला इनका यहीं पे। इनको भारी पड़ सकता है और यहाँ पे वाइपर इरफान का काफी अच्छा मिनी का स्प्रे जो कि पक्का रेड मशीन। अब यहाँ पे एक और लंडा है बिल्कुल, और वाइपर सल्लू ने रेड टीम की जो है धज्जियां उड़ा दी, रेड टीम को खत्म कर दिया। इनके मास्टर की टीम को बिल्कुल, मास्टर के दो लंडे डाउन है और यहाँ इन्होंने एक पूरी टीम उड़ा दी थी। यहाँ पे गाड़ियों की फाइट होती है, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। यूपी अरहान बिल्कुल नोक पे और यूपी शाहिद ने बहुत अच्छा यहाँ पे मारा। यहाँ पे यूपी वर्सेस यूपी हो रहा है, बदमाश बनाना हम लोग देखेंगे हंटर को, इवेल हंट को। और यहाँ पे यूपी शाहिद ने काफी अच्छा खत्म कर दिया यूपी अरहान और यूपी इवेल हंट को। ओके, इसके साथ ये स्वाइपर शॉम और अतिफा काफी अच्छा मार रहे हैं, ये दोनों कॉम्बिनेशन लगता है लास्ट तक जाएंगे, काफी तगड़ा मार रहे हैं दोनों लौंडे मिलकर। एक और टीम यहाँ पे आ रही है बिल्कुल दो लौंडों के साथ। तो ये लोग जैसे ही है वैसे ही वो लोग निकल चुके हैं, यहाँ पे ये लोग पिट सकते हैं, इनके ऊपर डबल स्प्रे पड़ रहा है, दोनों को निकलना ऐसा ही पड़ेगा क्योंकि तो चार लौंडे जब एक गाड़ी पे स्प्रे दे तो दिक्कत हो सकता है कभी ना कभी। वाइपर रिपार ने गुरु को नॉक किया, ये खत्म कर दिया मास्टर की टीम ने, काफी अग्रेसिव खेल रही है मास्टर की टीम। तो दोनों तरफ दोनों दो टीमें आमने सामने, बिल्कुल बिल्कुल टेबल एफ दिलशाद ने जो सोनू शाह को नॉक किया, वाइपर सल्लू रश करने के पूरे मूड में और इनके साथ कुछ घातक हो सकता है, ये बहुत क्लोज कर चुके हैं, बहुत क्लोज कर चुके हैं और ये तीन लौंडों के बीच फंस गए और खत्म भी हो गए। और वाइपर जॉर्ड ने बहुत अच्छा स्प्रे दिया, दो लौंडे डाउन है, इसी के साथ वाइपर इरफान भी जो स्प्रे दे रहे हैं प्रोन एंड शूट। वाइपर जॉर्ड जो आगे जा ही रहे हैं, आगे जाके प्रोन हो चुके हैं, क्रोनोलॉजी आप समझते हैं ना। वाइपर इरफान जा सकते हैं, सांप इनको खा सकता है बिल्कुल, बहुत ही अच्छा स्प्रे डबल कॉम्बिनेशन और इसी साथ इरफान ने खत्म कर, स्मोक के अंदर लौंडे फंसे हुए हैं बिल्कुल। एक और टीम मास्टर की टीम भी बिल्कुल यहीं आ रही है, वाइपर जॉर्ड नॉक हो चुके हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी हो चुकी है, बिल्कुल थर्ड पार्टी हो चुकी है, मास्टर की टीम भी उतर चुकी है अब और इसी के साथ यहाँ पे टीम फिनिश हो चुकी है। काफी बसड़ वाला माहौल था यहाँ पे, फट के हाथ में आ गई है इसकी, इनका एक लौंडा इनको अकेला ही छोड़ कर यहाँ से निकल गया जॉर्ज ट्रिपल ने, जो कि काफी डरे सहमे लौंडे को खत्म कर दिया। यहाँ पे एक ही लौंडा बचा हुआ था, अब ये लोग निकल रहे हैं।
ये काफ़ी अच्छा दिमाग लगा रहे हैं मारने का, बट मार नहीं पा रहे हैं। तो टीम नंबर 19 का बंदा जो है काफ़ी क्लोज इन कर रहा है। वाइपर जॉर्ज पुश कर रहे हैं बिल्कुल, और ये टीम नंबर 7 के बिल्कुल सामने ही आ चुके हैं। हम देखेंगे पवन सिंह को, कतई सस्ता है उस पर, और यहाँ पे जो है ये 1 HP बचे हुए हैं, बिल्कुल 1 HP भाई, जस्ट 1। टीम नंबर 3 भी बिल्कुल इनके पीछे ही है, ये लोग उनको नज़रअंदाज किए हुए हैं अभी। बहुत ही अच्छा और सस्ता इस पर, मतलब बहुत ही अच्छा स्प्रे कार98 का। पवन सिंह ने वाइपर जॉर्ज को खत्म, और पवन सिंह स्प्रे देने की पूरा प्रयास करेंगे। कतई सस्ता स्प्रे दोनों का, और बहुत अच्छा स्प्रे पड़ा था पवन सिंह को ट्रिपल एस दिलशाद का। मुझे लगता है ट्रिपल एस दिलशाद निपट जाएंगे चुटकियों में। इनको मारना चाहिए बूटकर, कतई सस्ते बंदे हैं। मॉन्स्टर के लौंडे ने जो यूपी शाहिद को नॉक किया, आरबीडी ने जो यूपी शाहिद को नॉक किया, और इसी के साथ ये वो ख़त्म भी कर देंगे उनको। अरे बदमाश बनाना बिल्कुल पीछे हैं, और यूपी शाहिद नॉक पड़े हुए हैं। क्रेडोस लाइन ने यूपी शाहिद को ख़त्म कर दिया, और बदमाश बनाना अपनी जो पोजीशन पे अभी भी होल्ड है, क्योंकि अगर ये लूटने आएंगे तो ये मार सकते हैं अच्छा खासा एंगल लेकर। देखना ये आरबीडी काफ़ी अच्छा स्प्रे दे रहे हैं, सभी लॉन्डों को ये स्पॉट किए हुए हैं। और यहाँ पे ट्रिपल दिलशाद नॉक, क्रेडोस लाइन ने अच्छा खासा नॉक किया। ये लोग दोनों में जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब किंग दिनेश ने जो है पी फायर किया था, ट्रिपल दिलशाद जा चुके हैं। बिल्कुल बदमाश बनाना, अभी अकेले सर्वाइव कर रहे हैं या अकेले पैदल ही निकल लेंगे। तो दो बंदे प्रोन है बिल्कुल, अगर ये लोग मिलकर स्प्रे देंगे और ये ख़त्म हो सकते हैं बिल्कुल। बहुत ही अच्छा बचाव, तो दोनों तरफ से पिस चुके हैं। बहुत ही अच्छा स्प्रे आरबीडी का, बस लास्ट लौंडा बचा हुआ है इनका, और ये बहुत ही प्यारा नेट करने की पूरी कोशिश। इनके ऊपर भी एक नेट आ चुका है, और आरबीडी ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे सिचुएशन पूरी संभाल ली। 7 किल्स अकेले लौंडे की, पीछे से बनाना भी आ रहे हैं। 18 किल्स, मैन ऑफ द मैच भाई, और बनाने काफ़ी अच्छा स्प्रे दिया, और इनके ऊपर गोलियों की बौछार हो चुकी है बिल्कुल। और 4v1 का क्लच हो गया ये लोग। नहीं भैया, गाड़ियों को फोड़ दो, खत्म कर दो, एक ही तो गाड़ी बची है वो वहाँ पे। यहाँ पे 2 सांप अभी तक जो है एक साथ चल रहे हैं बिल्कुल। क्रेडोस लाइन इनके ऊपर बिल्कुल, इनके पीछे क्रेडोस लाइन को बिल्कुल ऊपर, क्रेडोस लाइन ने एक को नॉक किया और दूसरे को खत्म भी कर दिया।